फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है और इसमें क्या बोला गया है, एक्स की क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल है एक्स माइनस टू की होल क्यूब के इक्वल। तो यहां पर दोबारा हमने देखा ब्रैकेट के आगे होल क्यूब स्क्वायर आता है तो आइडेंटिटी लगती है, तो यहां पर लगी ए माइनस बी की होल क्यूब, और ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी, और ब्रैकेट में आ जाएगा ए माइनस बी। क्लियर, ए क्यूब ऐसे रह जाएगा यहां पर, बी क्यूब भी ऐसे रह जाएगा, थ्री ए बी को इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा थ्री ए स्क्वायर बी, और थ्री ए बी को इससे मल्टीप्लाई करूं तो प्लस, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। दोनों आइडेंटिटीज ठीक है, हम करेंगे फर्स्ट वाली पुट अगर हम स्टार्ट कर रहे हो, अगर मेरी प्रैक्टिस है तो हम करेंगे सेकंड वाली पुट। फर्स्ट वाली पुट करते हैं, हमें क्या करना है एक्स माइनस टू की होल क्यूब करनी है, तो वो क्या होती है एक्स माइनस टू की होल क्यूब क्या होगी, ये होगी भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये हो गया मेरा ए और ये हो गया मेरा बी। ए की जगह लिख देता हूँ एक्स की क्यूब, बी की जगह लिखता हूँ टू की क्यूब माइनस थ्री इंटू में एक्स इंटू में टू और एक्स माइनस टू। इसका मतलब है एक्स माइनस टू की होल क्यूब को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर आ जाएगा एक्स की क्यूब माइनस टू की क्यूब क्यूब माइनस थ्री इंटू में एक्स इंटू में टू और ब्रैकेट में एक्स माइनस का टू। क्लियर, इस साइड तो कुछ भी सॉल्व हो नहीं रहा, तो इसको बस ऐसे लिख देंगे एक्स क्यूब ऐसे ही माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब दूसरी तरफ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ये तो नीचे ऐसे आ जाएगा एक्स की क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो ऐसे आ जाएगा एक्स की क्यूब क्या होती है एक्स की क्यूब माइनस टू की क्यूब क्या हो जाएगी माइनस टू की क्यूब हो जाती है एट, थ्री टू से क्या हो जाएगा सिक्स माइनस का सिक्स एक्स और ब्रैकेट में रह गया हमारा एक्स माइनस टू। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ये साइड बिल्कुल सेम उतरेगी, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा, वेरिएबल सारे डिफरेंट है, एक्स क्यूब भी ऐसी रहेगी माइनस एट भी ऐसा रहेगा, सिक्स एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर और सिक्स एक्स जब माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस सिक्स टू ट्वेल्व एक्स। यहाँ तक क्लियर है, अब दोनों तरफ जो है सारे वेरिएबल्स खत्म हो गए तो हमें इस सारे नंबर्स को उस तरफ लेके आना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी एक्स क्यूब, ये प्लस की एक्स क्यूब थी तो मैंने इसको क्या कर दिया माइनस की एक्स क्यूब, ये था माइनस का फोर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मैं स्क्वायर वाला ही गया माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, तो ये इधर आके हो जाएगा प्लस का सिक्स एक्स स्क्वायर, इधर बचा था हमारा माइनस एक्स, यहाँ पर एक्स वाली टर्म है ट्वेल्व एक्स, यहाँ पर प्लस के तो यहाँ पे आ गया माइनस का ट्वेल्व एक्स, यहाँ पे रह गया हमारा प्लस वन, तो माइनस एट यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। स्टार्ट करिए सॉल्व करना, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस होता है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया ये तो बच गया जीरो, प्लस माइनस माइनस सिक्स में से फोर जाएगा तो कितना आएगा प्लस का टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस में साइन बड़ा वाला होता है, यहाँ पर हमारा सिक्स बड़ा है। उसके बाद अगला आते हैं माइनस माइनस प्लस ट्वेल्व एक्स में से एक्स गया तो कितना बचेगा माइनस का थर्टीन एक्स, और एट प्लस वन कितना हो गया नाइन इज इक्वल टू जीरो। आखिरी में हमारे पास इक्वेशन बची है टू एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चेक कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, जहां पर ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता, और जो हमारी हाईएस्ट डिग्री होती है हाईएस्ट पावर होती है, सॉरी डिग्री नहीं हाईएस्ट पावर जो होती है वो टू होती है, तो यहां पर हमारी हाईएस्ट पावर भी टू है और ए जीरो के इक्वल भी नहीं है, तो हम लिख देंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल।